हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शिवांश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंट्राडे गाइड। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे किस तरीके से आज मार्केट ने काम करा, कौन से स्टॉक्स जो मैंने आपको दिए थे उनमें स्टॉक्स ने क्या परफॉर्मेंस रही, और जो अब आपको स्टॉक्स दिए जाएंगे 15 अक्टूबर के लिए यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, उस पर आपको किस तरीके से ट्रेड देना है, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉसेस हैं, सब आपको इसी पर बताया जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो आज ट्रेड्स लिए इन द सेंस, जो आपको मैंने कल यूट्यूब वीडियो पे बताए थे 5 स्टॉक्स, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। जिस पे सबसे पहले आपको स्टॉक दिया था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, बाय करने की सलाह दी थी, पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया। बर्जर पेंट्स शॉर्ट करने की सलाह दी थी, हमारा इस पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील और यूबीएल, तो हमने बाय की सलाह दी थी और तीनों के टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं। यानी कि आउट ऑफ 5 स्टॉक्स हमारे 4 के टारगेट्स हिट हुए और 1 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद गाइज, आपको मैंने बताया था कि अब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर अब आपको डेली सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और उसी के साथ हम कैसे ट्रेड लेने वाले हैं, क्या यूट्यूब पे कौन से स्टॉक्स हैं, क्या है A to Z, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मार्केट के टाइम पीरियड पे आपको सारी चीज़ें शेयर करते रहेंगे आप। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा, हमने वहाँ पर आपको चार्ट्स भी शेयर करे हैं कि कौन से चार्ट्स पे क्या पैटर्न बन रहे हैं, और वही जो चार्ट्स आपको शेयर करे हैं गाइज, हमने वही स्टॉक्स आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। गाइज, आप देख सकते हैं कि आपके लिए हम 5 स्टॉक्स आज लेकर आए हैं, जैकपॉट 5 स्टॉक्स हैं, जो कि डिविस लैब है, टाटा एल्क्सी है, ल्यूपिन है, HEG है और वोल्टास है। तो इन 5 में से 3 स्टॉक्स जो हैं उनके चार्ट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, कौन से पैटर्न बन रहे हैं A to Z से तरीके का। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे किस तरीके से क्या मूवमेंट हो रही है। और गाइस, ये जो आपको चार्ट्स दिखाए गए हैं, चार्ट्स हमने एक दिन पहले बनाए हुए थे, तो यानी कि आप इसके बाद इसकी जब मूवमेंट देखेंगे, आज के चार्ट से कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट करा और इस चार्ट्स को रिस्पेक्ट करा। सो गाइस, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करा, जाके ज्वाइन हुई, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ट्रेड डीलर्स करके हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, जाके ज्वाइन हुई और वहाँ पर आपको सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं सबसे पहले स्टॉक की तरफ गाइस, डिविज लैब, बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको। 1683 का करंट मार्केट प्राइस है। आज हमने अपने एक क्लाइंट्स को भी बाय करवाया था, इस पर हमने इसको अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया था अराउंड 1695 के अराउंड, और हम 1615 या 1614 के आसपास हम निकल गए थे, सॉरी 1714 के आसपास निकल गए थे। तो गाइज, अभी भी ये कि बाय काउंटर है, कोई बात नहीं, इसने डिप दे दी है। इसका जो एक अल्टीमेट स्टॉप लॉस है गाइज, वो 1671 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस है। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता तब तक हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे, और जो इसके हायर साइड में टारगेट्स हैं वो 1750 के हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये आ सकते हैं। तो गाइज, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, अगर आप जाके देखेंगे t.me/trade dealers, तो गाइज आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे एंटर हो जाएंगे, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। सेकंड आता है गाइज टाटा एल्क्सी, दोबारा बाय करने की सलाह दी जाएगी। आज भी हमने अपने क्लाइंट्स को बाय की सलाह दी थी इसमें, आप देख सकते हैं गाइज चार्ट्स पे जाके कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी पोजीशंस को देखा है। 646 CMP है, 638 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 652 659 का आपको टारगेट अचीव हो सकता है। गाइस, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर जगह आपको बताता हूँ, टेलीग्राम पे भी अगर आपको कोई कॉल्स प्रोवाइड होती है तो आप मेरी तरीके से ये एक अंडरस्टैंडिंग रखिएगा कि मार्केट देखिए गाइस अभी बहुत वॉलेटाइल है। जब तक मार्केट हमारी उस रेंज में काम कर रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी जब तक हमारी उस रेंज में काम कर रही है, जो रेंज मैंने आपको अपने कल के YouTube वीडियो पे अच्छे से एक्सप्लेन करी गई थी, तब तक हमें अपनी थोड़ी थोड़ी पोजीशंस लेकर निकल जाना है, क्योंकि हायर साइड में हमें फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और लोअर साइड में हमें फिर बैंक दिखेगी। तो ये जो ऊपर नीचे मार्केट ट्रेड करेगा उसकी वजह से गाइज आपके जो टारगेट्स हैं और जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो आप सही से नहीं ले पाएंगे। कुछ प्रॉफिट मिले, अचीव करिए प्रॉफिट को और वहाँ से निकल जाइए, दूसरे ट्रेड में घुसिए, कुछ प्रॉफिट लीजिए, निकल जाइए। ज़्यादा वेट मत करिए गाइज, क्योंकि अभी जब तक उस रेंज के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी है तब तक शायद हमें ऐसे ही छोटे मोटे प्रॉफिट्स लेकर निकलना पड़ेगा। तो गाइस, अब थर्ड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, HEG। HEG बाय करने की सलाह दी जाएगी, थोड़ा सा गाइस रिस्की स्टॉक है। अगर ये 887 का, तो आपको मैंने थोड़ा सा हमने पास का ही आपको मैंने स्टॉप लॉस दिया है, पर अगर आप क्लोजिंग बेसिस के अंदर अगर आप इस पे
882 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे गाइस, 882 की आपको बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम 960 तक के लेवल्स भी अचीव कर सकते हैं, यानी कि आपको आपको जो एक स्टॉप लॉस लगाना है, आपको वो स्टॉप लॉस अराउंड 20 रुपये का लगाना पड़ेगा, वहां से आपको 60 रुपये का टारगेट अचीव हो सकता है। एक रिस्की स्टॉक है पर आप बाय करके चल सकते हैं, 900 के ऊपर आपको मिले तो ही बाय करना है। और बार बार आपको बता रखा है गाइस, अगर आप हम इंट्राडे में काम करने हैं कोई नहीं, तो मेरे पास बहुत से लोगों के आते हैं कि आप बोलते हो गाइस कि आप जो भी हम आप स्टॉक्स देते हो वो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखते हैं कि वो ऊपर कैंडल बने तब हम बाय करें, तब वो स्टॉक बहुत ऊपर निकल जाता है। तो गाइस आपको सलाह ये दी जाएगी, 15 मिनट तक भी नहीं निकलता तो 3-3 मिनट के अगर आप दो कैंडल भी बन जाती है हमारे जो लेवल्स है, अगर उस लेवल्स के ऊपर जो आपको बताए जा रहे हैं 3-3 मिनट की, या गाइस 3 मिनट्स की अगर कैंडल दो बन जाती है ऊपर, बुलिश बुलिश होनी चाहिए, कोई इनडिसाइसिव कैंडल डोजी कुछ नहीं होनी चाहिए, बुलिश कैंडल की बात हो रही है, तो आप एक दोबारा बाय पोजीशन ले सकते हैं। वोल्टास वोल्टास गाइस अभी हम देख सकते हैं कि इस पे गिरावट तो नहीं है, हम इसे एक वीक स्टॉक तो नहीं मानेंगे, पर शायद ये कल एक फॉल दिखा सकता है और वहां फॉल इसका एक सपोर्ट है और वहां से मुझे लगता है कि ये दोबारा बाउंस करेगा। सो गाइज ये एक पैटर्न टाइप ऑफ एक पैटर्न बना रहा है, तो उस पैटर्न के हिसाब से मैं आपको एक शॉर्ट की सलाह दे रहा हूँ, वर बाय द वे मेरे हिसाब से एक बाय की सलाह है। पर गाइज अभी के लिए इसे शॉर्ट करेंगे कल इंट्राडे के लिए अंदर, तो 674 का इसका CMP है, तो सबसे पास का स्टॉप लॉस आपको दे रहा हूँ 679 का, 669 663 तक के टारगेट्स हम वोल्टास पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लुपिन गाइस बाय करने की सलाह दी जाएगी, इस पर भी हमने अपने चार्ट्स की स्टडी आपको भेजी है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, लेवल्स भी आपको भेजे हैं, A to Z चीज़ें आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है, जाके ज़रूर देखिए, बहुत नॉलेज आपको उस टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड होने वाली है गाइस। तो बाय करिए, 716 इसका CMP, 697 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। हमने अपने एक क्लाइंट्स को भी बाय करने की सलाह दी थी, पर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस गाइज हमने 710 के आसपास बाय करने की सलाह दी थी और 702 का हमारा स्टॉप लॉस था, क्योंकि गाइज थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस मैंने दिया था, पर अल्टीमेटली जो एक स्टॉप लॉस आता था वो आता था 697, तो हमारे क्लाइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर जिन लोगों ने भी उसे होल्ड करा होगा, मैंने मैसेज बाद में लिख दिया था कि जो भी होल्ड कर सकते हैं वो 690 स्टॉप 7 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, और शायद गाइज हो गए थे जिन लोगों ने होल्ड करा होगा। पर बाय द वे एक पर्टिकुलर काउंटर आज इंट्राडे पे था जिसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर बाय काउंटर अभी भी है, बाय करके चलिए गाइज अभी भी। 716 इसका CMP, 697 स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के अंदर लगाना है, 623 723 731 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ल्यूपिन के अंदर। अब गाइज जब भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूं तो उस पर आपको मैं अपने स्टॉक्स कंप्लीट होने के बाद एंड में आपको बताता हूं कि बैंक निफ्टी निफ्टी पे क्या मूवमेंट चल रहा है, क्या ट्रेड करना चाहिए। तो गाइज अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप ज़रूर देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि गाइज वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी किस रेंज में काम कर रही है, किसके ऊपर बाय पोजीशन बनानी है, किसके ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनानी है, तो आज भी वो उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो यानी कि जब तक उस रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है आपको पता है किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे शॉर्ट करना है और कैसे ट्रेड लेना है। तो मैं आपको दोबारा वीडियो लंबी ना करूं और सच्चा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन ना करूं, अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो आप दोबारा वो वीडियो जाके मेरा सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। मेरा जो चैनल के अंदर अगर आप जाएंगे सर्च करेंगे शिवांश भसीन यूट्यूब के अंदर, तो मेरे चैनल पर सेकेंड वीडियो होगी, सेकेंड वीडियो इन द सेंस की फर्स्ट वीडियो अपलोड होगी, सेकेंड वीडियो होगी मंडे के ट्रेड के लिए, जाके ज़रूर देखिएगा उसे, जिन लोगों को भी निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा डाउट आ रहा है। और बाय द वे अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो जो अगर आपको लेवल्स चाहिए तो लेवल्स आपको कल सुबह 8 बजे एग्जैक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे बाय और सेल के, तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो गाइस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर जाके फॉलो करिएगा, उसके साथ साथ गाइस अब हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं इंट्राडे गाइड को, और साइड बाय साइड हम हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, पर्सनली मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं शिवांश भसीन पे, आपको सारी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन पे आपको सबसे पहले मिल जाएंगी, जाके डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको बहुत नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होंगी जो आपके काम आ सकती हैं। और गाइज जैसा कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो पे बताया था कि आपके लिए एक दिवाली ऑफर मैं लेकर आने वाला हूँ, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो भी हम पेड कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए एक दिवाली ऑफर आने वाला है, तो गाइज स्टे ट्यून्ड, 2 दिन के अंदर अंदर हम आपको यूट्यूब चैनल पे वो अपना एक ऑफर दिखा देंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिखा देंगे, हर जगह शेयर हो जाएगा वो, तो हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि वो आप एक दिवाली ऑफर ले पाए, तो वो दिवाली तक वैलिड रहेगा गाइस और उस पर आपको अच्छे
ऑफर्स प्रोवाइड होंगे, वैलिडिटी जो उस ऑफर की होगी वो बहुत एक्सट्रीम होगी, तो जाके आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा। सो गाइज, ये यूट्यूब के जो आपको वीडियोस हम आपको ये जो स्टॉक्स देते हैं, ये पर्टिकुलरली टू पर्टिकुलरली चार्ट पैटर्न्स होते हैं। हम कोई भी आपको फालतू में ऊपर कैंडल बनी तो हम आपको बाय के लिए सलाह दे दे या ऐसी दे दे, सिर्फ उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर हम ट्रेड करते हैं जो हमें समझ में आते हैं या हम ट्रेड ले पाए। उसके अलावा हम कोई भी स्टॉक्स आपको नहीं देते, क्योंकि ये जो 5 स्टॉक्स गाइज आपको दिए जा रहे हैं, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा गाइज, जो भी ये 5 स्टॉक्स आपको दिए जाते हैं, ये मैं पर्सनली इतने अच्छे से चुनता हूँ। क्यों चुनता हूँ? क्योंकि गाइस यही पर्टिकुलरली 5 स्टॉक्स मैं खुद ट्रेड करता हूँ। इन 5 स्टॉक्स को मैं पूरा ट्रेड नहीं करता, इन 5 में से पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक्स को मैं ट्रेड करता हूँ लाइव मार्केट पे, जब कल मार्केट ओपन होती है। क्योंकि गाइस मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मार्केट ओपन होकर सारे स्टॉक्स के चार्ट्स को स्टडी करूँ, फिर देखूँ कौन सा बाय बन रहा है, कौन सा शॉर्ट बन रहा है, कौन सा न्यूज़ बेस है, क्या है। गाइस उनके पास, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो गाइस हम पहले से स्टडी करके रखते हैं, वही स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वही स्टॉक्स मैं खुद ट्रेड करता हूँ, और तभी हमें फायदा होता है। गाइज ल्यूपिन की बात करें तो ल्यूपिन में आज मुझे फ़ायदा हुआ, हाँ मेरे क्लाइंट्स को नहीं हो पाया, मैं उन्हें जल्दी नहीं बता पाया कि 702 का स्टॉप लॉस को नीचे करके 697 रख लीजिए, पर जितनी जल्दी हो पाया मैं बता दिया। सो गाइज अभी भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा, ये जो 5 स्टॉक्स हैं अभी भी आपको पैसा कमा के देंगे, ये अभी भी मेरे बाय लेवल पे हैं। और जो भी आपको डाउट्स होंगे गाइज, सारी डाउट्स आपको बिना बताए आपको टेलीग्राम चैनल पे हम क्लियर कर देंगे। आपके माइंड में जो भी डाउट्स होंगे हमें पता चल जाएंगे, तो हम आपके सारे डाउट्स इस टेलीग्राम चैनल पे क्लियर करेंगे। साइड बाय साइड यूट्यूब का आप बहुत अच्छे से यूज़ करिए गाइस, कमेंट सेक्शन का यूज़ करके मुझे अपने सारी प्रॉब्लम्स बताइए, आपको क्या चेंज चाहिए और आप क्या और एक स्ट्रीम मेरे से चाहते हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं कि अगर आपको दिवाली ऑफर मिले तो आप दिवाली ऑफर में ऐसी क्या चीज़ चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप लोगों की बात मैं सुनूंगा और सुन के उसका एक जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर निकालूंगा गाइस। तो जाके ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ। तो मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।